नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्वप्निल वेल्थ मंत्रा में। हमारा जो चैनल है वो आपको सिर्फ पैसे कमाने के बारे में, इन्वेस्ट करने के बारे में या किसी योजनाओं के बारे में जहाँ पे आप पैसा कमा सके, पैसा लगा सके, कोई भी एजुकेशन आपको चाहिए हो तो उसके बारे में ही नहीं है, बल्कि हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप पैसे बचाएंगे भी। तो मेरी ये वीडियो थोड़ी हटके है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ और कैसे मैं वीडियो को बनाता हूँ। अभी हाल ही में मैंने अमेजोन से अपने लिए लाइट स्टैंड मंगाया है जिसमें आप लाइट लगा सकते हैं छत। आपको दिखाते हैं कि अब ये अमेजोन से मैंने कितने में ख़रीदा और कैसा ये लाइट स्टैंड है। मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ आपके सामने, देखते हैं। ये मेरे को अमेजोन से लगभग, खोल के देखते हैं इसको, काफ़ी अच्छी पैकिंग है अमेजोन की। इसको देखते हैं, काफ़ी भारी तो लग रहा है ये। लगभग मुझे अमेजोन से पड़ा 1600 रुपये का। और आप देखेंगे ये कभी कभी ये प्रोडक्ट आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, 2000 का भी पड़ सकता है, लेकिन मैंने ये 1600 रुपये में ख़रीदा। ये दो जोड़ी है जिसमें एक जोड़ी में, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टैंड खोल के, ये देखिए। काफ़ी हैवी लग रहा है और सबसे अच्छी बात तो ये लोहे की, इसमें जो इस्तेमाल किया गया बॉडी को वो लोहे का इस्तेमाल किया गया है। और इसको हम खोल के देखेंगे, ये यहाँ से खोलने का है। ये लगभग 8 फुट तक ऊंचा हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब किसी शादी में लाइट स्टैंड होता है वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, ये भी लगभग 8 फुट का है। इस हिसाब से 1600 रुपये में आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है ये अमेजोन में। इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं और इस तरीके से ये यहाँ पे स्टैंड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से खड़ा हो गया है, लोहे का अच्छा इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खरीद सकते हो, कोई बुराई नहीं। अगर 800 रुपये में आपको स्टैंड मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है ये। ये देखिए और ऊपर भी जा सकता है ये और नीचे भी। और देखिए 1600 रुपये के अंदर आपको ये होल्डर मिलता है जिसमें हम अम्ब्रेला लगाएंगे। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये भी काफ़ी मजबूत है। इसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं, इस लाइट स्टैंड के ऊपर इसको लगाएंगे, इस तरीके से इसको फिट करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, ये आपका इसमें फिट हो चुका है। अब जो आपकी अम्ब्रेला होगी, ये इस तरीके से इसमें अम्ब्रेला मिली हुई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है इसमें। और अम्ब्रेला को हम लोग इस पर लगा देते हैं इस तरीके से, इसको खोलेंगे और यहाँ पे हमारी अम्ब्रेला लग जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें अम्ब्रेला को फिट कर देंगे। अम्ब्रेला भी अच्छा है काफ़ी, लाइट स्टैंड भी अच्छा है। इसमें 1600 रुपये में आपको दो जोड़ी मिला है, काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको होल्डर मिला है, अम्ब्रेला मिला है और लाइट स्टैंड मिला है। अब देखिए आपको इसकी जो लाइटनिंग होगी उसे जो ख़रीदोगे आप, LED लाइटनिंग आती है इसमें, काफ़ी महंगी आती है। तो मैंने जो जुगाड़ किया है, मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, ये मैंने बाज़ार से ख़रीदे हैं। अभी मैंने इसमें लाइट नहीं लगाई है, तो आप इसमें LED लगा सकते हैं, CFL लगा सकते हैं। कम से कम मेरे हिसाब से अगर 200 या 300 वाट या 500 वाट का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने बाज़ार से दो ख़रीदे थे, ये करीबन मेरे को पड़े 150 रुपये के दोनों पड़े। और फिर मैंने इसमें होल्डर लगाया, यहाँ पे ये होल्डर यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। और इसमें मैंने वायर लिए, सिर्फ 100 रुपये की मुझे वायर पड़ी। ये यहाँ पे होल्डर ऐसे लग जाएगा और ये इसमें लाइट जो चमकेगी वो आपके फेस पे, तो पीछे का जो बैकग्राउंड जो छाया है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप बाज़ार से इसको ख़रीदने की आप आवश्यकता नहीं है, मतलब ज़्यादा खर्चा करने की। अगर आप ऑनलाइन भी खरीदोगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की लाइट मिलेगी इसमें, तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको यहाँ पे लगा सकते हो। अब बात आती है तो जो मैं माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ ये है बोया M1, ये भी मैंने अमेजोन से लिया था। ये करीबन मुझे जो पड़ा, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो मुझे पड़ा लगभग 900 रुपये का,
और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी इसमें आवाज़ क्लियर बिल्कुल आवाज़ आती है। तो आप इसको अमेजोन से ले सकते हो, बोया M1, और ये लगभग 900 रुपये का है, कभी कभी 800 रुपये में भी मिल जाते हैं। इसमें जो हमें मिलते हैं, एक बैटरी मिलती है, आप इसमें बैटरी डाल सकते हो। और इसमें जो मोड है, जब हम इसे कैमरा मोड में करेंगे तो इसमें DSLR जैसे कैमरे में हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको जब ऑफ मोड में नीचे करेंगे तो जो भी आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो इसमें आपका यूज़ हो जाएगा। काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है, आप अगर लोकल भी यूज़ करते हो तो आपको 300 से 400 रुपये मिलेगा, और ये जबकि बहुत ही सस्ता मिलता है। और बात आती है अब ट्राईपॉड की, जो मैं यूज़ करता हूँ अपने कैमरा के लिए, तो ये ट्राईपॉड है बेनरो का T600EX फोटो एंड वीडियो ट्राईपॉड। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसमें आपको लेंथ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ये देखिए काफ़ी अच्छी लेंथ इसमें मिल जाती है। और आप दोनों खोल के इसको लंबा कर सकते हो, और देखिए दोनों खोल के आप लंबा कर दीजिए तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, यहाँ पे आप कैमरा का यूज़ कर सकते हो। और इसे आप बंद कर दीजिए, और यहाँ से हम ऐसे ही बंद कर देंगे। ये मुझे करीबन पड़ा था 1500 रुपये का ऑनलाइन, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। ये भी कभी कभी सस्ता मिल जाता है, कभी ऑफ़र्स आते हैं तो ये भी सस्ता मिल सकता है, तो आप ऑफ़र्स का ध्यान रखिए। ये देखिए, और यहाँ पे हम कैमरे को रखेंगे, ये हमें कैमरा रखने को यहाँ पे ये जगह दी जाती है, और हम इसमें जो, और यहाँ पे ये जो होल्डर होता है इसको हम यहाँ पे लगाते हैं ताकि हमारा कैमरा बिल्कुल ऊपर नीचे ना जाए, या फिर आगे पीछे हम इससे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लगा देंगे। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है ये भी, और यहाँ पे हम कैमरे का यूज़ करेंगे। ये जो मिला है हमें, ये हमें इसको उठाने के लिए मिला है, जब कैमरा लगाएंगे तो इससे हम इसको उठा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिला है, ये देखिए ये हम इसको यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये है मेरा ट्राईपॉड, और कैमरा जो मैं यूज़ करता हूँ वो है निकॉन 5400D 5400D, काफ़ी अच्छा कैमरा है, आप ले सकते हैं इसको। DSLR का जो कैमरा है ये करीबन पड़ता है 29,000 में, कभी कभी ये 25,000 में भी मिल जाता है। ये मैंने मार्केट से लिया था, तो मार्केट से मुझे करीबन पड़ा था 28,000 में, और आजकल इसका रेट जो है वो 25,000 तक भी ये मिल जा रहा है। तो इस तरीके से ये मेरा जो एक स्टूडियो सेटअप कह सकते हैं इसको, मेरे जो इक्विपमेंट यूज़ किया है मैंने, लाइट स्टैंड, अम्ब्रेला जो मैंने मंगाई है, मेरा माइक्रोफोन हो गया, और मेरा लाइटनिंग सेटअप हो गया, ट्राईपॉड हो गया, कैमरा हो गया, ये आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं, और काफ़ी सस्ते में इसको कर सकते हैं। आगे की मैं वीडियो में आपको जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको, जब मैं पूरा सेटअप बना दूंगा अपना, तो मैं अपना स्टूडियो का आपको पूरा दिखाऊंगा, उसमें आप कैसे कैसे कैमरे और कहाँ पे यूज़ करेंगे और किस तरीके से वीडियो बनाएंगे, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से अपना पैसा बचा सकते हो, तभी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। सॉफ्टवेयर वेल्थ मंत्रा।